जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया, सरकार के सामने पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग तक कर डाली और सरकार मुश्किल में भी दिखी, लेकिन उन्हीं मुद्दों पर शरद पवार का ताजा बयान आया सामने। कांग्रेस के लिए ये पहेली बन गया, क्या इसे विपक्ष में फूट के तौर पर देखा जाए? क्यों कह रहे हैं ऐसा, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने ऐसी हवा चलाई कि बिखरता हुआ विपक्ष 2024 के चुनाव से ठीक एक साल पहले एकजुट होता हुआ दिखा और इसका असर संसद से लेकर सियासत तक दिखा। तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने सरकार और प्रधानमंत्री से अडानी को लेकर सवाल पूछ लिया। सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अडानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे फोटो दिखाई, ऐसे फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। लेकिन विपक्ष के एक प्रमुख नेता शरद पवार के ताजा बयान ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया है। शरद पवार ने कहा है कि अडानी ग्रुप के मुद्दे पर जेपीसी की जरूरत ही नहीं है। हालांकि उन्होंने माना कि उस वक्त उनकी पार्टी ने भी जेपीसी की मांग की थी। जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे। मेरा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कभी से अपॉइंट करना चाहते हैं, की उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज्यादा रहेगी। शरद पवार यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी बता दिया कि एनसीपी के लिए इस वक्त अडानी से ज्यादा अहम कई और मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई और किसानों की समस्या। आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये तीन मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे। शरद पवार के ताजा बयान से दो बातें साफ होती दिख रही हैं। एक तो ये कि अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जो मुहिम चलानी चाही उसकी हवा निकल चुकी है और 2024 के चुनाव से पहले ही विपक्ष के एकजुट होने की बात अभी दूर की बात है। इसके अलावा शरद पवार ने ये भी बता दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की प्राथमिकता क्या होगी। एनसीपी अडानी नहीं, महंगाई, किसान और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। शरद पवार के ताजा यू टर्न पर सियासत से सधी हुई प्रतिक्रिया आ रही है। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने कहा है कि पवार साहब के बयान से विपक्ष की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर्याय दिया है, एक विकल्प है, न्यायालय जांच, ये पवार साहब का कहना है तो ठीक है। ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आ जाए। लेकिन असल सवाल कांग्रेस का है, उस कांग्रेस का जो अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट को मुद्दा बनाकर 2024 का चुनाव लड़ने की योजना बना रही थी, वो कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा करती रही और वो कांग्रेस जो अब हाथ से हाथ जोड़ने की योजना बना रही है। शरद पवार जी का वो व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन जेपीसी उसमें होना ही चाहिए और बगैर जेपीसी से इसका वास्तविकता आगे आ नहीं सकती है। सभी दल के वहाँ पर सांसद होते हैं, उनकी संख्या सत्ता पक्ष की ज़्यादा है तो उनके ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जब जनता के सामने आएंगी तो आने दो ना। जब अगर मोदी जी कहते हैं कि हमने कोई कुछ चोरी नहीं की है तो उनको डर किस बात का है। शरद पवार सियासत के महारथी कहे जाते हैं। जिस मुद्दे पर उनकी पार्टी जेपीसी की मांग कर रही थी उसे वो दमदार नहीं मानते। अपने बयान के समर्थन में पवार के पास तर्क भी है, यानी पवार ने जो कहा पूरी तैयारी के साथ कहा। लेकिन उन लोगों का क्या जो इसी मुद्दे पर 2024 में मोदी को हराने की सोच रहे थे? पवार के साथियों को ये सोचना होगा कि पवार साहब का ताजा बयान आत्मज्ञान है या फिर कांग्रेस को झटका।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.